लेहरे मोदी ललकार पर नईला ड्रागन प्रधानमंत्री गस्तर मात्र तीन दिन मध्य सी जिनपिंग पीएलए आर्मी गलवान घाटी पछक हटिला। सैटेलाइट चित्रु जमापड़ी जे चीन सेना गलवान घाटी पखापाखि देढ़ किलोमीटर पछक हटि एथस यार अस्थायी टैंट सामरिक अस्त्रशस्त्र को भी पछक नहीं फेरी जा। प्रतिरक्षा विशेषज्ञों अनुसार बेजिंग उपर पड़ुवा आंतर्जातिक चाप पर यार स्वर नरमिवार लगी। पूर्व गलवान में दुई देशर सेना गत जून 15 मुहांमुही भारत 20 जवान शहीद होते चीन पक्षर मध्य अनेक जवान मृताहत होते पर उत्तेजना कमाई दुई देश मध्य तीन तीन थर कमांडर स्तरीय आलोचना कर। हमें देखिए बड़े एहतियात से इस चीज को समझना होगा। चाइनीज इतनी आसानी से पीछे चले जाएंगे ऐसा हमको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हमें 15 और 16 की रात का वाकया कभी नहीं भूलना चाहिए। वो भी इसी प्रकार की खबरों के बाद हुआ था जब ये खबरें आ रही थी कि चाइनीज जो हैं पीछे हटने को तैयार हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई। और साथ में अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है कि चाइना के भारी भरकम हथियार आर्मर टैंक्स और आर्टिलरी अभी भी डेथ एरिया में मौजूद है। तो क्या चाइनीज इसको डिसएंगेजमेंट के तौर पे ले रहे हैं या रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और खुद को टेक्टिकल पोजीशंस में स्थापित कर रहे हैं जिससे कि कोई हिंदुस्तान की तरफ से अगर इस मिलिट्री कार्रवाई होती है तो वो उसको मिलिट्री तरीके से उसको डील कर सके। तथापि चीन यार दादागिरी जारी रखिथिला। भारतर कूटनैतिक पदक्षेप पर पाखापाखि 27 देश जातिसंघ रे चीन विरुद्ध मोर्चा खोलिथिले। सेपटे जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मध्य चीन को कौनसी भी हरकत कले कड़ा जवाब दिजा नहीं वार्निंग देते। आपटे भारतीय स्थलसेना और वायुसेना लद्दाख घाटी यार सामरिक शक्ति बढ़ावास घन घन एयार ऑपरेशन जारी रखिता। एसबू देखि शेषे भयभीत हो ड्रागन यार पीएलए आर्मी को पछक हटावाई निष्पत्ति। वर्तमान गलवान घाटी को बफर जोन भाव में घोषणा कर अर्थ यही अंचल एवं कौन विपक्षर सेना गतिविधि हेना जहाद्वारा जून 15 भली घटनार संभावना कम रही। उभय सेना एवं शांति प्रतिष्ठा दिगरे यह प्रथम प्रयास करो। रिपोर्ट डीआर गस्ट डॉट इन।